अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हालचाल हैं आपके। रोज़े चल रहे हैं, कुछ रोज़े रहते हैं और अब ईद भी आने वाली है। ईद की तैयारियां हो रही होंगी, साथ साथ ही खाने का जो मेन्यू है वो भी डिस्कस हो रहा होगा। मीठे की भी बात हो रही होगी कि क्या बनाया जाए। तो मैंने आज बनाई है रसमलाई, ठंडी मीठी रसमलाई, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। वो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें अब अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ। एक कप पाउडर दूध है, पाउडर दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने नीडो लिया है। एक कप दूध है, एक अंडा है, एक चम्मच जो है वो मैदा है खाने का, और ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर हो तो बेस्ट है, वो ख़त्म हो चुका था तो मैंने बेकिंग सोडा लिया है। चीनी है, ये 5 चम्मच चीनी है। उसके अलावा 1 किलो दूध है जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। चीनी मैं इसमें मिला रही हूँ, 5 चम्मच ये चीनी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इलायची पाउडर है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है जो मैंने इसमें मिलाया है। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। पाउडर दूध है 1 कप और ये 1 चम्मच भरकर ये मैंने मैदा लिया है, और ये 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया है। एक ही चम्मच में घी या तेल, इसमें क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा वरना रसमलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। अंडे को मैंने फेंट लिया है, अब मैं इसको अंडे से गूंदना शुरू करूँगी। अंडा पूरा नहीं जाएगा, अगर ज़रूरत हुई तो हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। इसको मिक्स करना है। इसका जो रसमलाई का आटा है वो हमने गूंद लिया है, ये देखें, ये इस तरह से तकरीबन हमने गूंदना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही होता है, तो आप इसे गूंदें। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो, चिपकने लगे, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, और थोड़ा हार्ड हो जाए तो थोड़ा सा दूध मिला दें और उसको नॉर्मल सा इस तरह सा गूंद लें, और इस तरह आप गोलियाँ बनाना शुरू कर दें। हाथों में चिपकता है अगर आपके, तो आप थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लें और इस तरह गोलियाँ बनाती चली जाएँ। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। इसी तरह से हम सब गोलियों को बना लेंगे। और दूध को चीनी डालकर हमने 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकाते रहना है ताकि वो गाढ़ा हो जाए। ये गोलियां जो हैं अब हम बना लेंगे सारी, तो फिर हम उसमें डालेंगे जब तक दूध गाढ़ा हो जाएगा। ये 7 गोलियां बनी हैं रसमलाई की, अब हम इन्हें दूध में शामिल करेंगे और दूध की आंच थोड़ी सी तेज़ करेंगे ताकि रसमलाई ऊपर तक अच्छी तरह पकना शुरू हो जाए। आंच मैंने तेज़ कर दी है, एक एक करके अब इसमें रसमलाई को डालें। थोड़ी सी अगर चिपकती है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको एहतियात से संभाल लें क्योंकि हमने इसमें जो अंडा डाला है उसकी वजह से वो थोड़ी सी स्टिकी हो रही है, मगर आप उसको ध्यान से करें और आंच तेज़ रखें। इस दौरान जब आप रसमलाई डालें, आंच को तेज़ ही रखना है, एहतियात से चम्मच चलाएं। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो रसमलाई फूलेगी नहीं। इसको आपने थोड़ी देर तक पकने देना है, आंच को तेज़ ही रखना है, एहतियात से बस चम्मच चलाना है। जब ये थोड़ी देर और पक जाएगी तो हम एहतियात से इनको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाएं।
अब हमें ये जो है अब पक रही है, तो मैं अब इसको एहतियात से पलटना शुरू करती हूँ। आँच अभी तक थोड़ी तेज़ी है, मैंने कम नहीं की इस दौरान। अब मैं एक एक करके इन्हें पलटती हूँ ताकि ये अच्छी तरह दूसरी साइड से भी पक जाएं। इनको थोड़ा बस एहतियात से हमें चलाना होता है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है सारा प्रोसेस। शुरू में बस हमें चीज़ों का ख्याल करना है और बाद में हमें बस कुछ इस तरह अपने हाथ को एहतियात से चलाकर इसको तैयार करना है। थोड़ी देर ये और पकेंगी, फिर ये तैयार हो जाएंगी। रसमलाई जो है वो अब हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इनको ठंडा करूँगी चूल्हा बंद करके और एहतियात से डिश में निकाल लूँगी। मैं आपको डिश में निकाल कर दिखाती हूँ। तो रसमलाई जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है, मैंने निकाल ली है डिश में। ये देखें कितनी अच्छी बनी है, और ये बहुत कम बजट में सिर्फ पाउडर दूध से और कुछ और चीज़ों को मिलाकर हमने बनाई है। बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल तैयार है। अब एक कप दूध से मैंने 7 रसमलाई बनाई हैं, ये मैंने अलग कर ली है और बाकी ये 6 हैं। तो ये बहुत कम बजट में बहुत अच्छी तरह से बनी है। बहुत सॉफ्ट हैं ये देखें। आपको अगर मेरी आज की रसमलाई की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।